हेड हेड्स इज द कॉल एंड इट इज अ हेड. क्या करना पसंद करेंगे? हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे. अच्छी बॉल और सम्मान दिया उसे साकिब भाई हैं. थोड़ा स्वैगर उनकी. ओह क्या बात है, वंडरफुल शॉट, क्लास रिटन ऑल ओवर इट. ओह स्टंप के करीब से ये गेंद, लेकिन गेंद के पेस का इस्तेमाल करते हुए चार रन मिले. पहला चौका आया सोहेल खान के बल्ले से. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखिए बॉल अंदर आया, मुश्किल है इसका, फिर इनसाइड एज है. शॉट अच्छा है इस बार और गैप में है ये शॉट. चार रन मिल जाएंगे साकिब को. एक और अच्छा शॉट, आउट. ऑफसाइड पर खेला इस बार, लॉफ्ट किया, कैच का मौका है और कैच इस बार नहीं छूटा. फेक और फेंट देखते हैं अब क्रिकेट में भी देखते हुए. हम स्वीप किया इस बार और गैप में. ये रेस कौन जीतेगा? ओह बॉल की हुई जीत. Thank bowling so tonight. All the best to you. Thank you. And back to the comments. Thank you so much, Rohi. Dilchas baatcheet Ritesh Deshmukh se. Par yahan pe 4 run mil gaye. All bat pe aa rahi thi kal. Aaj thoda mushkil lag raha hai aur ek gap mein maar diya hai mid wicket ke upar se. 4 runon ke liye. Is Bhojpuri Dabangs ki team ke saath. Par yahan pe milenge 6. करारा शॉट है. देखिए इनकी हिटिंग आर्क में बॉल देंगे तो नवदीप के पास वो दमखम है. बिल्कुल टप्पा थोड़ा खिंचा हुआ डालिएगा. टॉप एज है, कैच का मौका है, विकेट आएगी और उठा दिया है ऊपर. चांस हो सकता है और ये ड्रॉप. अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है. 6 रन नवदीप के बल्ले से डाउन द ग्राउंड एक बड़ा शॉट. जी हाँ बिल्कुल करते हैं. स्लोअर गेंद और पूरा फायदा उठाया नवदीप ने. ये मौका बन जाएगा बैकवर्ड पॉइंट पे. इस बार कैच लपका गया है, कोई गलती नहीं करी गई है और विकेट विक्रांत के नाम. ये बड़ी विकेट है तो आप मैनेज कर सकते हैं. शॉट है जी, ये पहली गेंद का सामना किया ये सिद्धांत ने और 6 लगाए वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से. 81 फॉर 4 आफ्टर 9. जी हाँ ऐसा लगा सिद्धांत मुले पीछे नेट्स करके सीधे आए हैं और ये पंच कर दिया है मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए. पुल शॉट इनका फेवरेट शॉट है शरद का. ये एक और मौका बन सकता है, एक और विकेट का मौका है और विकेट मिलेगी. अच्छा कैच पकड़ा गया है. पर ये मैं बात करता हूं बार बार, जब आप बाउंड्री राइडर मौजूद है और कैच लेते लेते चूके हैं और मैं फिर वही बात करूंगा. आखिरी गेंद और टॉप एज लग के 4 वैल्यूएबल रन्स. स्ट्रीकी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. 95 फॉर 5 आफ्टर 10. बैटिंग कार्ड पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं. देखिए जो मोमेंटम बनाना इनिंग्स का वो राजा भरवानी और नवदीप के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी उसकी वजह से आया. वो 34 रनों की जो पार्टनरशिप थी वहां से मोमेंटम बढ़ा. नवदीप ने करारी बल्लेबाजी करी, 32 रन बनाए और उसके बाद सिद्धांत ने वो फिनिश दिया. 3 गेंदों में केवल उन्होंने 12 रन जोड़ दिए. कंट्री बॉक्स में मैं हूं सविश श्रीवास्तव, मेरे साथ प्रवीण सोनी. शुक्रिया और आप सबका हार्दिक अभिनंदन सभी दर्शकों का. और जैसा कि आज जो ये बड़ा मैच है मुंबई हीरोज और भोजपुरी दबंग्स के लिए, दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं. गेंद भोजपुरी दबंग्स की इनिंग्स की. बढ़िया गेंद, लेग साइड पर खेला, खाता खोला अपना इसके साथ भोजपुरी दबंग से. चाहे वो जहां भी जाए वो उनका घर है. ऑफ क्लीन बॉल, बेहतरीन शुरुआत यहां पर निशांत की ओर से. आदित्य का एक बड़ा विकेट लेते हुए भोजपुरी दबंग्स को मिला ये झटका और बेहद खुश मुंबई हीरोज के सपोर्टर्स. क्या शुरुआत दिलाई है यहां पर निशांत दहिया ने उन्हें. अंदर की तरफ गेंद आई थी, ऑफ स्टंप ले उड़ी और
आदित्य को भी चौंका दिया उन्होंने, और विजय धैयो को मिलने वाली पहली गेंद पर पहली सफलता, और भोजपुरी दबंग जब दिमाग में आ गए हैं, बच्चों को यहाँ पर मैचेस के लिए बुलाया गया है, और ये बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं है, एक और बिल्कुल टॉप पे जाके लगी है, और अंपायर के इशारे का इंतजार होगा कि छः रन है या नहीं चार रन, और अंपायर ने पूछा है पहले थर्ड अंपायर को क्या ये चार रन है या छः रन, फील्डर से पूछ रहे हैं, और बाउंड्री चेक करनी होगी। तो चलिए छह रन आ गए अब उदय के बल्ले से, जरूरी रन्स, महत्वपूर्ण रन्स ये भोजपुरी दबंग्स के लिए, पावर प्ले का वक्त चलता हुआ, और अच्छा कनेक्शन दिखाया, अच्छी शुरुआत दिखाई, अच्छा इंटेंट दिखाया यहाँ पर उदय ने, पर एक लीड के साथ दूसरे इनिंग में जाना जरूरी, कट किया बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं पीछे, चार रन मिलेंगे अंशुमन को और कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा, और शॉर्ट ऑफ देखो गैप में खेल दिया था वहां पर। शरद केलकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले के बाद, और गैप में खेला हुआ ये शॉट अंशुमन की ओर से, इस रेस में बॉल की होगी जीत, दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला चलता हुआ, अब भोजपुरी दबंग्स अब एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, और जिस तरह की फील्ड सजाई है वहां पर शरद केलकर ने, उसको अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करनी होगी, ये अच्छी गेंद थी और मगर लेग स्टंप के बाहर थी, पैड को शायद लग कर गई है, और भाग कर आ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे पूर्व लकोटिया है, और चार रन लेग बाई के फील्डर्स के लिए काफी सही रहेगा ये, और फिर ये हवा में खेल दिया स्ट्रोक, लगता है बिडवर्ड बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, कोई मौका नहीं है वहां पर, और छह रन, जो आवाज आई थी वहीं से समझ में आ गया था कि क्या हो सकता है नतीजा, लॉन्ग बाउंड्री को चूज किया, लेकिन अंशुमन के बाजुओं में इतना दम है कि उन्हें पूरा यकीन था कि वहां भले ही फील्डर मौजूद है, एक बार ये कनेक्शन लग जाए तो बाउंड्री लाइन के पार जरूर जा सकती है गेंद, देखते रह गए, निहारते रह गए अपने उस शॉट को अंशुमन, एक घुटने पर जाकर खेल दिया इस दिशा में, और भोजपुरी दबंग्स ने अच्छी शुरुआत की यहां पर, प्ले से निकलता हुआ, और ये फिर हवा में खेला गया, ऐसा है पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर भाग के जाते हुए मगर नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए, और इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा 49 रन एक विकेट नुकसान पर, और पार्टनरशिप हो गई है 43 रन की इस विकेट की, दूसरे विकेट के लिए, ये विकेट का मौका है और विकेट मिलेगी, लीजिए उदय को जाना पड़ेगा वापस, 11 गेंदों 12 गेंदों में 16 रन बनाए उदय ने, पर अब थोड़ी सी रिलीफ है, अब जो गुस्सा चढ़ा था ना शबीर और शरद को एसएनएस की जोड़ी ने, अब गले मिलके बुला दिए जलवे। ए पॉइंट वी हर्ड दैट इज वत्सल हु प्रैंक्स, ओह नो एवरीबॉडी, इज दैट अ फॉल, इज दैट गोइंग फॉर अ फॉल, इट इज अ फॉल, शो अस योर सेलिब्रेशन फेस, no that's they hit a boundary, why should I celebrate, sorry to race se bahar ho jayenge qualify karne ki, shot hai ji char ke liye, behtareen cover drive, ye kahan se aaya, iski ummeed nahi thi, ekdam se nikla, thoda sa ab relax kar gaye the Bombay wale, ab ye chauke se jag jayenge kyunki jis tarah ki gendbazi, oh kya shot hai, a proper shot hai, एकदम मुंह पे दे दी बॉल मारने के लिए नवदीप ने, और थोड़ी पेस भी है, ओ हो बिल्कुल, देखिए कोशिश तो थी लेकिन अंत में यहां पे एक मिला है, दूसरे रन की तलाश है, क्या ये रन आउट है, बहुत जबरदस्त ढंग से निशांत ने बॉल को कलेक्ट करके फ्लिक किया है स्टंप्स के ऊपर, बैक फ्लिक, शाबाश, और लगे ये, पर फिर भी मुझे लगता है कि थर्ड एम्पायर से पता लगेगा, और ब्रिलियंट, क्या बात है, रन आउट, क्या पता इस एक रन का ही असर रह जाए अंत में, ये तो बाद में होता लगेगा कि स्क्रिप्ट क्या कहती है, या कल याद रखिए एक रन से जीत दर्ज की थी केरला स्ट्राइकर्स ने, हराया था डिफेंडिंग चैंपियंस तेलुगु वॉरियर्स को एक रन से, पर यहां पे आउट का सिग्नल आएगा क्योंकि स्टैंड आउट इनिंग, और आप देख सकते हैं कि 51 रन जो बनाए अंशुमन ने, अंत में रिटायर्ड हर्ट हुए, उसी ने बांध के रखी इस पारी को, तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि असर होगा नहीं पांच रन का, क्योंकि कुछ मायने रखता नहीं है, एक हिट से भी कम है, एक एक विकेट निशांत और शब्बीर के नाम रही, पर अच्छी वापसी करी है, गाइड कर दिया इसको एलेक की तरफ, अच्छा खेलता हुआ उठा दिया इस बार समीर ने,
फील्डर्स के ऊपर से आउटफील्ड कितनी तेज है उसकी परीक्षा यहां पर होगी। इतनी तेज की चार रन मिल जाएंगे और ये दोस्ती उनके बीच दिखती हुई। अच्छा शॉट समीर की ओर से, कोई खिलाड़ी मौजूद वहां पर नहीं है, गैप में खेला गया इसे। चार रन और बैक टू बैक चौके यहां पर समीर के बल्ले से आते हुए। हल्की सी छोटी, छोटी नहीं थी ये गेंद, इसको आप छोटी नहीं कह सकते। तभी भी देखो क्या पिकअप किया इन्होंने, इट्स अ ब्रिलियंट शॉट बाय समीर। शॉट इस बार फिर से गैप में खेला हुआ शॉट, चार और रन, तीन चौके आए इस ओवर में समीर की ओर से। दो ओवर के बाद 15 बिना किसी नुकसान के मुंबई। ओ खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, स्टंपिंग की अपील और कॉन्फिडेंट है यहां पर कीपर और बॉलर। समीर कोचर इंतजार कर रहे हैं, सॉफ्ट डिसमिसल उनके लिए। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे और अपने पैर को ग्राउंड नहीं कर पाए पूरी तरह से यहां पर। बहुत अच्छी स्टंपिंग यहां तन में, शॉट खूबसूरत, स्वीट आवाज आई बल्ले की और छह रन मिले। इस तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होता है और इसी वजह से अपूर्व लाखिया ओपनिंग करने के लिए आए थे। दूसरी बॉल पर भी बड़ा शॉट चाहते थे, एक और स्टंपिंग का मौका। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस बार कीपर, लेकिन इस बार टीवी अंपायर से एक बार पूछना होगा कि क्या हुआ था। क्विक हैंड्स है, मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली श्योर है। देखिए पाव गया, गया और ये आउट, आउट होगा डिसीजन। अपूर्व को जाना होगा, एक छक्का लगाने के तुरंत बाद उनका शिकार किया टाइगर ने और ये बहुत ही बड़ा विकेट उठा दिया है शरद ने। इस बार कैच इट का कॉल है लेकिन बहुत ही दूर फील्डर से। चार रन मिल जाएंगे, अच्छा शॉट और शरद केल करके बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। But then ultimately my injury started bothering me a lot and I thought that I would be a liability there and the next can come and do better. So from next season or probably from the next match that you have in Chandigarh, we're going to see another new player in the team. Talk about the next match in Chandigarh, how you all prepped up. एक अच्छी लीड लेनी होगी और ये बढ़िया स्ट्रोक है वहां पर, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। गेंद चली जाएगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। ऐसे ही स्ट्रोक्स खेलने होंगे रमन इन सब दोनों बल्लेबाजों। टॉप एज है और इस वजह से इनफील्ड के ऊपर से जाएगी गेंद, चार मिलेंगे। कई बार जब शॉट बल्ले के बीचों बीच लगता है तो वो नतीजा नहीं निकलता जो इस तरह निकला है। करारा शॉट है, चार के लिए शॉट है, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। 14 रन आए इस ओवर से भी, 65 for 2। एज और विकेट, चतुर गेंदबाजी और आयास के नाम आई है सफलता। चांस बन सकता है विकेट का और ये बड़ा स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट के बाहर है के अंदर है और ये भी कैच पकड़ते हुए वहां पर विकेट एक और। पर फिलहाल तो करारा शॉट है, डाउन द ग्राउंड सीधा खेला है, चार के लिए खेला है। वो अपील है यहां लेकिन जरूर ओ आउट दे दी गई यहां पर, मुझे तो लगता है कि आउट नहीं है। जबरदस्त विकेट जी हां, तो देखिए विकेट कीपर की मूवमेंट है। विकेट कीपर सबसे बड़ा जज होता है बॉल की दिशा का और एंगल का और देखिए विकेट कीपर लेग स्टंप पे मूव हो रहे हैं और उन सब के बीच यहां पर अपने नतीजे को बदलते हुए नॉट आउट। और बहुत ही अच्छी प्रेरणा हमेशा मिलती है हमें। इस बार अच्छा शॉट उठाकर किया, खेला लॉफ्ट करके खेला, चार रन मिलेंगे और जो असर पड़ता है इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक। लास्ट स्ट्रॉ थी पांच और ये देखिए एक पांच रनों का चौका तो आ गया। ये अच्छा शॉट, चार रन दिलाता हुआ शॉट ये और अब टाइगर का बल्ला चलता हुआ। पुल किया इस बार और गैप ढूंढते हुए असगर खान को चार मिलेगा। पावर प्ले समाप्त और बेहतरीन अंदाज में समाप्त करते हुए 3 ओवर्स 28 रन भोजपुरी दबंग। ओ क्या शॉट है, हवा में है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और बहुत बढ़िया कैच, क्या बात है, जज अच्छा किया। देखिए यहां पे जो कैचेस छूट रही है अब तक वो है जजमेंट की प्रॉब्लम, आपको पता लग रहा है आगे जाए पीछे जाए और ये बड़ा विकेट है। देखिए ये प्रेशर क्रिएट किया और बड़ा शॉट लगा, मुझे लगा कनेक्ट हुआ। ये देखिए ओ पकड़ लिया,
वही खिलाड़ी को उन्होंने पीछे किया था। अपूर्व के इस ओवर की आखिरी बॉल उठाकर खेला, इस बार अच्छा शॉट और चार रन्स मिलेंगे। प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता हुआ, अपील है लेग बिफोर की साकिब की और विकेट है। ओह, विक्रांत को आउट दे दिया गया यहाँ पे, क्या रिव्यू लेते हैं? जी नहीं, जा रहे हैं वापस। जी बिल्कुल सीधी थी ये गेंद और ये तीसरा विकेट। हाई फुल टॉस, कैच का लिया जाएगा। जी हाँ, उन्हें नहीं लगता है कि नो बॉल था। ये लीजिए, आउट का संकेत आएगा और ये हवा में चली गई है। टॉप एज लग के फाइन लेग के फिर ढकेल दिया है चार रनों के लिए। और जब उनको और वक्त मिलता है थोड़ी सी चॉपिंग कर देते हैं और ये उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, चांस हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग नवदीप की, शायद ये बाउंड्री चेक होगा क्या, रनआउट का चांस बन सकता था। पर पहले ये चेक कर लीजिए, क्या उनका पांव बाउंड्री स्कर्टिंग को छू रहा था जब उन्होंने गेंद को पकड़ा हुआ था? यहाँ पे बाउंड्री स्कर्टिंग पे पांव पड़ गया है बॉल को रिलीज करने से पहले। अच्छी कोशिश थी लेकिन ये छह रन होंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कोशिश, पकड़ लिया था उन्होंने बॉल बट सही टाइम पे। और ये हैरान, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जब इस ओवर की शुरुआत में 16 की थी, यू आर ऑलरेडी बिहाइंड द 8 बॉल। ओ, ये रन आउट है क्या? रेफर किया जाएगा, एक अंपायर्स रेफरल। उस सेकंड रन पूरा करते करते क्या पहुंचे हैं क्रीज के अंदर उदय? देखना पड़ेगा अगर क्लीन रन आउट किया है कि बॉल हाथ में थी या हाथ स्टंप को लगा है। बहुत सारे पैरू यहां, यहां देखिए बॉल हाथ में नहीं थी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला क्योंकि बॉल तभी भी स्टंप को लगा है। ये दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा कि एक्चुअली बॉल लगी है कि नहीं स्टंप्स में। इस साल से हाथों से पहले बेल जो है स्टंप्स के ऊपर से वो डिसलॉज हो गई है, फिर बॉल लगने से आउट नहीं दिया जाएगा। और बिल्कुल इतना सारा डाउट था इस शॉट से, लंबी है लेकिन ऑफसाइड बाउंड्री इसी तरह से छोटी हो जाती है और इसीलिए ये चार रन मिले। डाउन द ग्राउंड खेला है, छह के लिए खेला है। भोजपुरी दबंग अभी भी बने हुए इस कॉन्टेस्ट में। डाउन द ग्राउंड खेला है, दूसरे रन की कोशिश होगी, वापस स्ट्राइक पे लाने की कोशिश होगी अंशुमान को। क्या ये रन आउट है? क्या ये रन आउट है कि हाथ ने बेल्स को डिसलॉज किया है, गेंद ने नहीं? देखिए इस मैच में ड्रामा भरपूर रहा है। देखिए टीवी अंपायर इतनी बार जब रिप्लेस देखे ना तो मान लीजिए कि उनके जहन में भी ये शुमा है, ये डाउट है। और डाउट अगर है तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाता है, नॉट आउट का निर्णय आया है। उठा दिया है, तीन रन भाग सकते हैं क्या? तीन रन भाग सकते हैं, जाएंगे तो जरूर तीसरे रन के लिए, लेकिन यहां पे होगा रन आउट। पर ये देखिएगा 45 रनों की एक नाबाद पारी तन्मय खेली है अंशुमन ने, इन्हीं के कंधों पे ना दोनों इनिंग्स के अंदर सारा दारोमदार था। जी हाँ बिल्कुल, पहले इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी और दूसरों में भी एक अनबिलीवेबल नॉक, जितनी करीब ला सकते थे गेम लाई उन्होंने। और दुखी होंगे, और ये देखिए मुंबई हीरोज की बॉलिंग कार्ड, साकिब राजा की टॉप स्पेल